इन दिनों ज्यादातर लोगों की नजर उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों पर टिकी हुई है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल। यूपी में 4 मई और 11 मई यानी दो चरणों में निकाय चुनावों की वोटिंग हुई। अब सभी को 13 मई को आने वाले नतीजों का इंतजार है। उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम यानी महापालिका है, जबकि यहाँ 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत है। यही स्थानीय निकाय चुनाव हुए। यूपी की ही बात की जाए तो वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, मथुरा, मेरठ, आगरा, बरेली, फिरोजाबाद, गोरखपुर, झांसी, गाजियाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, अयोध्या, प्रयागराज और सहारनपुर नगर निगम है। गौरतलब है कि शाहजहांपुर को पहली बार नगर निगम बनाया गया है। हर नगर निगम में कई वार्ड्स होते हैं और हर वार्ड में कैंडिडेट्स खड़े होते हैं जिन्हें वोटिंग के जरिए चुना जाता है। इन्हीं चुने हुए प्रत्याशियों को पार्षद या सभासद कहा जाता है। वहीं हर नगर निगम का प्रमुख होता है जिन्हें मेयर कहते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ मेयर का चुनाव पार्षद नहीं करते बल्कि जनता वोटिंग करती है और फिर फैसला होता है। अब जानिए मेयर होते कौन है। बता दें कि मेयर को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम का हेड माना जाता है। मेयर के पास कार्यात्मक और औपचारिक दोनों ही तरह के काम होते हैं। जैसे भवन निर्माण और लैंड यूज का रेगुलेशन करना हो, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल यूज के लिए पानी की सप्लाई का इंतजाम करना हो, वेस्ट मैनेजमेंट, फायर डिपार्टमेंट, झुग्गी बस्तियों की हालत सुधारनी हो, समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना हो, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना हो, स्ट्रीट लाइट्स का हाल ठीक रखना हो, खेल के मैदान, पार्कों आदि जैसी सुविधाएं आम लोगों तक पहुंचाने का काम हो, एनिमल क्रुएल्टी को रोकना हो, इसके अलावा भी मेयर के हिस्से कई काम आते हैं। बता दें कि जिन जिन कामों के लिए नगर निगम जवाबदेह है वे संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। भारत के कई राज्यों में मेयर को चुनने के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। मसलन नगर निगम के पार्षदों में से मेयर पद के लिए किसी को चुना जाता है। हालांकि 9 ऐसे राज्य भी हैं जहां नियम का अपवाद है। इनमें हरियाणा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना शामिल हैं। राज्य चुनाव आयोग नगर निगमों के चुनाव करवाता है। हालांकि कुछ राज्यों में राज्य सरकार ही चुनाव आयोजित करती है जबकि कई राज्यों में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऐसा ही करते हैं। अब जानिए कौन मेयर बन सकता है यानी मेयर बनने के लिए योग्यता क्या है। एक व्यक्ति तब ही मेयर बन सकता है अगर वो भारत का नागरिक है, उसकी उम्र कम से कम 30 साल हो, वार्ड की मतदान सूची में उसका नाम दर्ज हो, इसके अलावा उसे पहले नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं घोषित किया गया हो। महापौर यानी मेयर का कार्यकाल 5 साल का होता है। हालांकि देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मेयर का कार्यकाल 1 साल का होता है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अनुसार नगर निगम चुनावों के बाद मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाते हैं। मेयर को दिल्ली नगर निगम का प्रमुख माना जाता है। दिल्ली में मेयर आम लोगों द्वारा सीधे तौर पर नहीं चुना जाता। दिल्ली के मेयर का काम नगर निगम से जुड़ी मीटिंग करना, एजेंडा सेट करना, दिशा निर्देश तैयार करना होता है। इसके अलावा मेयर पार्षदों से विकास कार्य, नगर निगम के किसी प्रोजेक्ट, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सफाई की व्यवस्था आदि से जुड़े काम करवाने के निर्देश दे सकता है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।